नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एनम 7189 नियुक्ति पत्र, नियुक्ति आदेश, जिला आवंटन, पीडीएफ लिस्ट, सभी अभ्यर्थी ज्ञापन कार्य जारी रखें। आज आपका प्रयास ले जाएगा नियुक्ति पत्र के पास से। दोस्तों, जो अपडेट बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अपडेट बता रहा हूँ, आप लोग ज्ञापन कार्य जारी रखिएगा। दोस्तों, जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए तब तक आप लोग जो है हर तरह से प्रयास करते रहिएगा, ट्विटर के माध्यम से और ज्ञापन कार्यक्रम से। कल दोस्तों, मुख्यमंत्री जी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस पर जो है वहाँ पर रहे दोस्तों, वहाँ पर भी अभ्यर्थी कुछ लोग गए थे। और आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज मुख्यमंत्री जी जो है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है सीएम आज करेंगे ग्लोबल वीजा केंद्र का शुभारंभ। लखनऊ से खबर दोस्तों, लखनऊ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सरकारी आवास से सुबह 11 बजे ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। तो अभी 11 बजे जो है दोस्तों लखनऊ में ही रहेंगे मुख्यमंत्री जी। उसके बाद देखिए उनका दो दिवसीय दौरे पर आज आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से खबर दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार की दोपहर बाद वाराणसी आएंगे। मतलब 11 बजे लखनऊ में दोस्तों जो है रहेंगे और उसके बाद जो है दोपहर के बाद बनारस आएंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे आशा महाविद्यालय। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को सीधे पता भी बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो है बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे आशा महाविद्यालय पहुँचेंगे। यह आयोजित दो दिवसीय औषधि विकास और अवसर विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन भी करेंगे। अगले दिन रविवार को संत रविदास जयंती पर सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में मत्था टेक कर भी लंगर भी छकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शनिवार को दोपहर बाद मतलब 3:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और यहाँ से औषधि विकास पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन का समारोह में भाग भी लेंगे। आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, 3:30 बजे मुख्यमंत्री जी बनारस पहुंच जाएंगे और आशा महाविद्यालय पहुंचेंगे दोस्तों। वहां पर यह औषधि विकास पर सेमिनार है। फिर उसके बाद जो है समारोह में, यहां देखिएगा, समारोह में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोंटू कुमार एम पटेल भी रहेंगे शामिल। और मुख्यमंत्री देर शाम सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, आप लोग पता देखते जाइएगा कहाँ कहाँ पर मुख्यमंत्री जी को जाना है। देर शाम सर्किट हाउस में भी जाएंगे, विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। फिर उसके बाद रविवार की सुबह, देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो दोस्तों 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल सकता है, क्योंकि रविवार की सुबह मुख्यमंत्री जी संत रविदास मंदिर जाएंगे। इसके बाद BHU हेलीपैड से रवाना हो जाएंगे। मतलब सुबह के टाइम जो है, यानी लगभग 10 बजे मान के चलिए कि सुबह के टाइम संत रविदास मंदिर में जाएंगे और फिर उसके बाद वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर दोस्तों मुख्यमंत्री जी चाहें तो 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी रविवार को लखनऊ में ही रहेंगे। 5 और 6, इन दो डेट में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा अगर आज आप लोग प्रयास करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी, जितनी भी एनम बहनें बनारस की हैं, आप लोग को मैंने बता दिया है कि मुख्यमंत्री जी 3:30 बजे और यहाँ पर देख सकते हैं बनारस में पहुँच जाएंगे और वहाँ से सीधे आशा महाविद्यालय पहुँचेंगे। तो आप लोग आशा महाविद्यालय पहुँचिए और वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, हमको मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है। अपॉइंटमेंट, बिना अपॉइंटमेंट के दोस्तों कुछ नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अभ्यर्थी यहाँ फिर देख सकते हैं देर शाम सर्किट हाउस में भी मुख्यमंत्री जी जाएंगे, वहाँ पर कानून व्यवस्था विकास कार्यों को देखेंगे। यहाँ पर भी अभ्यर्थी पहुँच सकते हैं और उसके बाद सुबह के टाइम रविवार को जो है मुख्यमंत्री जी को आप ज्ञापन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी रविदास जी की मंदिर में रहेंगे और उसके बाद वहाँ से फिर सुबह रवाना हो जाएंगे। तो आप लोग जो है ज्ञापन कार्य जारी रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है जो भी होगा पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलेगा, आप लोग निगेटिव कभी मत सोचिए दोस्तों। जितने अभ्यर्थी बनारस के हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। आज और कल 2 दिन का मौका है आपके पास। अगर
मुख्यमंत्री जी चाहें तो 5 फरवरी 6 फरवरी तक जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, नहीं दोस्तों उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम व्यस्त रहेगा और उसके बाद फिर डिले होता चला जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।